आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ईयर एस्पिरेशन इफेक्ट के बारे में कि ईयर एस्पिरेशन इफेक्ट होता कहाँ है और कैसे होता है और किस चीज़ में होता है। ईयर एस्पिरेशन इफेक्ट मतलब कोई ईयर को शक करना ईयर एस्पिरेशन इफेक्ट कहलाता है। ये स्पर्म में होता है, स्पर्म गेटिंग एलिमेंट का एक एलिमेंट होता है, ठीक है। किस वजह से होता है? जब लो प्रेशर जोन बनता है तो जो एटमोस्फेरिक ईयर रहती है या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर जनरेट होता है, उस वजह से ईयर एस्पिरेशन इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इसको दूर करने के उपाय भी हैं कि आप जो इस पर यूज कर रहे हैं उसको कॉनिकल सेक्शन का बताइए, क्योंकि पोरिंग बेसिन होता है, पोरिंग बेसिन के बाद इस पर होता है। ये मैंने कॉनिकल सेक्शन का बनाया है, लेकिन आइडियल कॉनिकल सेक्शन का बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको टेपर बना देते हैं, ठीक है। टेपर सिलेंडर आप बना दीजिए तो इससे भी ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये इसको टेपर बनाने का रीजन भी ये है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए 0.1 है, 0.2 है, यहाँ पे होता है पोरिंग बेसिन, ये हो गया है इस पर के बाद होता है रनर, ठीक है। जब हम मोल्टन मेटल को इसमें डालते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी कम, समझ लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी है B1, यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी B2, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी किस वजह से होगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर मेंटेन था, यहाँ पे प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम मेंटेन हो जाएगा। यदि हम इस पर को पूरा स्ट्रेट सिलेंडर बना देते हैं तो यहाँ पे इस जोन में या फिर इस सीजन में एयर आ सकती है। उस वजह से क्या, जो लिक्विड मेटल है उसके साथ एयर मिक्स हो जाएगी और कास्टिंग में डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। उसी को रिमूव करने के लिए आइडियल शेप होता है पैराबोला, लेकिन वो बनाना पॉसिबल नहीं है तो हम इसको टेपर सिलेंडर बना देते हैं। उस वजह से क्या होता है, टेपर सिलेंडर की वजह से एयर एस्पिरेशन इफेक्ट नहीं आता और ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट हम लो प्रेशर जोन में पाते हैं जहाँ पे कि प्रेशर कम हो जाता है। पिछली बात है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, एयर जो हमारी कास्टिंग प्रोड्यूस होने वाली है उसमें मिक्स हो जाएगी। इन सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम इसको बनाते हैं टेपर सिलेंडर, ताकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो और मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी भी ना हो। पैराबोला शेप बनाना आइडियल शेप है, लेकिन उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी बहुत होगी बनाने में, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए ऑन एन एवरेज लेकर हम इसको टेपर सिलेंडर बना देते हैं। इस वजह से एयर मोल्टन मेटल के साथ मिक्स नहीं होती, ठीक है। तो एयर का मोल्टन जो लिक्विड मेटल है उसके साथ मिक्स होना इस पर में ही एयर एस्पिरेशन इफेक्ट कहलाता है। ये लो प्रेशर की वजह से होती है। प्रेशर लो क्यों होता है, इसका रीजन भी यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, इस वजह से होता है। यदि आपकी कोई क्वारी हो, कोई कमेंट हो और कोई रिलेटेड लेक्चर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।